ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर। कसम खाता हूं ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक दुनिया पूछेगी भाई तू कैसा है। अपने हौसले को यह मत बताइए कि आपकी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को यह बताइए कि आपका हौसला परेशानी को यह बताना बड़ा है। कि कद्र उसकी करो जो तुम्हारी करे, क्योंकि ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी होती है। कश्तियां बच जाती हैं तूफान में, लेकिन हस्तियां डूब जाती हैं अभिमान में। मन की शांति पाने का सबसे बढ़िया तरीका है कुछ चीजों को बढ़िया नजरअंदाज करना। कुछ मौन रहना एक साधना है, और सोच समझकर बोलना एक कला। हर इंसान का दिल बुरा नहीं होता, हर एक इंसान बुरा नहीं होता। बुझ जाते हैं दिए कभी तेल की कमी से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते हैं वो बाग के जिन बागों में माली नहीं होते हैं। रिश्ते निभाना सबके बस की बात नहीं, आज के इस जमाने में खुद को दुख देना पड़ता है किसी दूसरे को खुश रखने के लिए। रिश्तों को संभालते संभालते थकान सी होने लगी है, रोज कोई ना कोई यहाँ नाराज हो जाता है। गुलामी आपको इतना कमजोर बना देती है कि आप अपनी ताकत को भूल जाते हो। जरूरी नहीं हर टूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ मिले, कुछ अपनी मुस्कान के पीछे लाखों दर्द छुपाए रखते हैं। दुनिया में कहां वफा का सिला देते हैं लोग, अब तो मोहब्बत की सजा देते हैं लोग। पहले सजाते थे दिलों में चाहतों का ख्वाब, फिर एतबार को आग लगा देते हैं लोग। आज थोड़ी बिगड़ी है कल फिर संवार लेंगे, जिंदगी है जो भी होगा संभाल लेंगे। सबको खुश रखना जीवित मेंढकों को तराजू में तोलने जैसा काम है, एक को बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। कलयुग है साहब, यहां झूठे को स्वीकार किया जाता है और सच्चे का शिकार किया जाता है। आज के जमाने में अगर तुम किसी के लिए अपनी गर्दन भी कटवा लोगे ना, तो वो कहेगा ठीक से नहीं कटवाई, थोड़ी नीचे से कटवानी थी। अंदर कोई झांके तो टुकड़ों में ही मिलेंगे हम, ये हंसता हुआ चेहरा तो बस दिखाने के लिए है। जिस दिन आपके पैसे खत्म होंगे उस दिन आपके रिश्तेदारों की संख्या में 90% तक की कमी आएगी। कड़वा है मगर सच है, जीवन में आधा दुख गलत लोगों से उम्मीद रखने से आता है, और बाकी का आधा दुख सच्चे लोगों पर शक करने से आता है। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए, बुराई तो बिना हुनर के किसी की भी की जा सकती है। आज की दुनिया में झूठ धीरे से भी बोलोगे तो भी सब सुन लेंगे, और सच चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनता। बहुत अकेला कर दिया है मेरे अपनों ने मुझे, समझ नहीं आता कि हम बुरे हैं या हमारी किस्मत। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है, इसीलिए धागे को लपेट कर रखें और जुबान को समेट कर रखें। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनना बुरे होने से भी ज्यादा बुरा है। यकीन तो सबने झूठ पर ही किया, सच तो हर बार साबित करना पड़ा। सबसे ज्यादा गुस्सा उस वक्त आता है जब कोई खुद गलत होकर भी आपको गलत साबित करने की कोशिश करे। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसे नहीं करते। वक्त बदल जाने से उतनी तकलीफ नहीं होती जितना अपनों के बदल जाने से होती है। अंदर से टूटे हुए लोग चाहे जितना भी मुस्कुरा लें, उनकी उदासी उनके चेहरे से झलक ही जाती है। परवाह ना करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। आजकल के इंसान दिल से नहीं जरूरतों से रिश्ता बनाते हैं। पहाड़ों पर बैठकर तप करना सरल है, लेकिन परिवार में सबके बीच रहकर
धीरज बनाए रखना कठिन है और यही तप है। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि आप जिसे महत्व दे रहे हैं उसकी नजरों में आपका कोई महत्व ही नहीं है। मतलब ही लोगों के साथ रहने का मजा ही कुछ और है। थोड़ी तकलीफ जरूर होती है पर सारी दुनिया के दर्शन उनके अंदर ही हो जाते हैं। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, आपसे लगाव और विश्वास है। उम्र भर साथ कौन निभाता है, कोई आज तो कोई कल साथ छोड़ ही जाता है। सुना है कि तुम रातों को देर तक जागते हो, यादों के मारे हो या मोहब्बत में हारे हो। इतनी ठोकरें देने के लिए शुक्रिया ए जिंदगी, चलने का ना सही संभलने का हुनर तो आ ही गया। पांच कटु सत्य, बदल जाते हैं वो लोग वक्त की तरह जिन्हें हद से ज्यादा वक्त दे दिया जाए। जिस शख्स को आप अपना खास समझो अक्सर वही शख्स दुख दर्द देता है। जल्द मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलती और जो चीजें ज्यादा दिन तक चलती हैं वो जल्दी नहीं मिलती। दूरियां सिखाती हैं कि नजदीकियां क्या होती हैं। पैसे की खनक सत्य को चुप करा देती है।